ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत दिनों से कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये फॉर्म आए और उसके बाद उसे फिल किया जाए। तो यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ है वो 27 जुलाई से 27 अगस्त तक ये पूरा आप अप्लाई कर सकते हैं। और सक्सेसफुल जो ट्रांजैक्शन है, फ़ी आप की पेमेंट है, वो 27 अगस्त तक 11:50 PM तक आप कर सकते हैं। और इसके लिए क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सारी चीज़ें अवेलेबल है। करेक्शन की डेट भी उसके बाद आपको मिलेगी। अगर आपके फॉर्म में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो 1 सितंबर से 3 सितंबर तक के बीच में आपको ये मौका मिलेगा कि आप अपने फॉर्म में किसी तरह के भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है मामला एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड NTA की वेबसाइट पे 8 सितंबर से आप वहां से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 20, 21, 22, 23 सितंबर को होगी। तो ये 4 दिन हैं, स्पेशल डेट है जिसमें आपके एग्ज़ाम होने। इसमें MPhil से BA सारे जो एग्ज़ामिनेशन है वो सारे हो जाएंगे। ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का होगा। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन। तो फर्स्ट सेशन होगा वो 9:30 से 12:30 और दूसरा सेशन जो होगा 2:30 to 5:30। तो इनमें अलग अलग कैंडिडेट के होंगे, अलग अलग कोर्सेज के। एक दिन में 2 एग्ज़ाम इस तरह से लिए जाएंगे। तो 4 दिन में ये पूरा आपका एग्ज़ाम हो जाना है। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो आपने देख ली। उसके बाद यहाँ पे सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे वो सारी डिटेल होगी, उसी हिसाब से आपको बता दिया जाए। आपके एडमिट कार्ड पे सारी चीज़ें उसकी डिटेल होगी कि आपका सेंटर क्या है, डेट क्या है और आपकी शिफ्ट क्या है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की वो उसकी डेट बाद में आएगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम जो है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो किस तरह से होगा। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जो पहले से चला रहा है, 2 साल से लगातार ये इस तरह का हुआ है कंप्यूटर बेस्ड। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने होंगे, तो इसकी भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं और इसकी डिटेल भी आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। जैसा कि बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन या जितने भी ऑप्शन होंगे, 4 मोस्टली दिए जाते हैं, तो उन 4 में से 1 सलेक्शन करना है आपको। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। स्कोरिंग होगी इसमें। ये एक चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं, इससे बहुत फ़ायदा मिल जाता है। तो नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, तो ये बात क्लियर रखिए। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप अटेम्प्ट करके आइएगा, ताकि आपको किसी तरह के बाद में कोई पछतावा ना हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, किस लैंग्वेज में आएंगे, मीडियम क्या होगा उसका, तो ये होगा इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो दूसरे जो कॉमन, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछने लगते हैं कि सर जो इंग्लिश के अलावा जो सब्जेक्ट हैं क्या उसके भी इंग्लिश में आएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ जो कॉमन हैं उनके इंग्लिश में आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, लैंग्वेज कोर्सेज में हैव एक्सेप्शन। लैंग्वेज कोर्स जैसे आपका इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गए, इंग्लिश तो है ही, इसके अलावा उर्दू हो गए, हिंदी हो गई, पर्शियन है, अरबिक है, इसके अलावा और भी जो दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वो उसी लैंग्वेज में होंगे। इसके अलावा जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे जो होंगे ये हिंदी में नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो ये एक पूरी डिटेल आ चुकी है। इसके बाद दूसरे वीडियोज़ भी आ जाएंगे, डिटेल में आ जाएंगे एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था आपके एंट्रेंस से रिलेटेड। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।